दोस्तों आप सामने देख सकते हैं माँ विंध्यवासिनी का धाम है, भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। ये कॉरिडोर बन रहा है और यहाँ से आप जाएंगे गंगा घाट पर, ये पक्का घाट पर यहाँ से आप चले जाएंगे। ये रास्ता है यहाँ से जाने के लिए पक्का घाट पर। दोस्तों ये पथ है माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर के दरबार से गंगा घाट पर जाने के लिए, पक्का घाट पर जाने के लिए ये रास्ता तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं इस समय तैयारी क्या अपडेट है कि उसके बारे में आपको दिखाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कि सामने माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, आप यहाँ से आ सकते हैं पक्का घाट गंगा किनारे। ये अभी कार्य का अपडेट है, अच्छे अच्छे पिलर बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। ये लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, पीछे वाले में लाइट लगेगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो कितना भव्य दिखने में लगेगा। सामने एक बड़ा सा सुंदर सा भव्य सा नव्य सा गेट बनाया जा रहा है। ये ढलाई काम हो रहा है, उसके बगल में जो है ड्रेनेज का काम हुआ है। ये सामने देख सकते हैं बहुत सुंदर सा प्यारा सा गेट का निर्माण किया गया है, अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। ये गेट, ये पिलर देख सकते हैं कितना सुंदर नक्काशीदार पत्थरों से बनाया गया ये पिलर है। आ गए हैं गंगा तट पर। यहाँ से आप माँ गंगा का आचमन भी कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ गंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से ये गेट है माँ विंध्यवासिनी के दरबार में जाने के लिए। पक्का घाट से होकर के आप दर्शन करने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से स्नान करने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से आप नीचे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में मानता है कि गंगा में स्नान करने के बाद या किसी भी दरबार में जाने से पहले स्नान करने के बाद ही दरबार में जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं मिर्जापुर विंध्याचल के दाहिने किनारे पर पक्का घाट का जो कार्य किया गया है, इसको बोलते हैं दीवान घाट। उनकी लागत, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, अंत होने की तिथि, कार्यदायी संस्था के बारे में वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यही है पक्का घाट दीवान घाट माँ विंध्याचल के दाहिनी ओर जो निर्माण किया गया है। 5,92,00,000 रुपए लगभग से ये निर्माण किया गया है। इस लागत में आपको ये बिजली के पोल दिखाई पड़ जाएंगे और आपको ये चेंजिंग रूम, नहाने के बाद महिला पुरुषों के लिए जो चेंजिंग रूम बनाया गया, इस लागत में आपको ये मिल जाएंगे। ये सामने आपको दिख रहा है। ये घाट के नीचे श्रद्धालुओं को नहाने के लिए बनाया गया है, देख सकते हैं सामने लोग नहा करके माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए यहाँ से जाएंगे। इससे पहले एक और घाट था, आपको बता दें, जहाँ से माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लोग आते हैं गंगा द्वार पर, वो सामने आपको दूर है। जहाँ पर वो लाल पताका दिख रहा है वहाँ पर स्नान करने के लिए बनाया गया था।
ये दूसरा दीवान घाट है ये। इसका रास्ता आपको कोतवाली गली से आने के लिए रास्ता मिल जाएगा। ये वो दृश्य है, आपको दिखाते हैं। यहाँ से कोतवाली गली तक का पूरा रास्ते का नज़ारा। ये सामने से लोग आते हैं यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए। ये है दोस्तों दीवान घाट पर जाने के लिए गली। आप प्रसाद यहाँ से भी ले सकते हैं। ये साइड में प्रसाद की दुकान है, दोनों साइड में कपड़े की दुकान, प्रसाद की दुकान। आप आए गई लव देखा ये या। यहाँ से चलेंगे हम लोग कोतवाली गली जो मिर्ज़ापुर में कनेक्ट करता है। ये भैरव प्रसाद पांडे जी स्वर्गीय राजेश पांडे जी द्वारा प्राचीन महावीर गंगेश्वर बाल हनुमान जी का ये मंदिर है। एक और ये गली है जो गंगा घाट की तरफ ले जाती है। दोस्तों धीरे धीरे गलियों के माध्यम से कोतवाली मार्ग पर आ गए। जो सीधे जाएंगे तो माँ विंध्यवासिनी के शरण पहुँच जाएंगे, और जिस रास्ते से हम चल रहे हैं वहाँ से आप आएंगे तो दीवान घाट की तरफ आ जाएंगे। जो दीवान घाट पर पक्के घाट पुल का निर्माण किया गया है, आप वहाँ जाएंगे स्नान आदि करके आप माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए रास्ता जाता है आपका माँ विंध्यवासिनी के धाम पर, जहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ये रास्ता आपको मिर्ज़ापुर सिटी की तरफ ले जाएगा। ये आप देख सकते हैं गंगा स्नान के लिए मुख्य द्वार। ये आरती का समय ये है, सामने देख सकते हैं ये कोतवाली। कोतवाली गली को चौड़ीकरण का काम हो चुका है, पर ढलाई इत्यादि उसका सुंदरीकरण होना है। ये देख सकते हैं काम भी लगा हुआ है ड्रेनेज आदि बनाने के लिए। भक्तजनों की भीड़ जा रही है अभी दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।